खुदाई के दौरान कई अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है। रूस के एक द्वीप में खुदाई में 20 फुट लंबा बिना सिर वाला कंकाल मिला है। इस कंकाल को देखकर लोग दानव का नाम दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल के बारे में बताया है कि यह कंकाल किसी समुद्री जीव का है जिसकी मौत 18वीं शताब्दी में हुई होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जानवर से इंसान को कोई खतरा नहीं होता, यानी यह इंसान के लिए डरावना नहीं होता। शायद 18वीं शताब्दी में समुद्री शिकारियों ने इस अजीब जानवर का शिकार किया होगा। तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इसकी पसलियां कितनी बड़ी हैं। इन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस कंकाल में 27 पसलियां और रीढ़ की हड्डी की 45 गांठें मिली हैं। सिर के अलावा इन कंकाल की अन्य हड्डियाँ भी मिली हैं, जो किसी बहुत ही विशाल काय जानवर का संकेत देती हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने कंकाल के बारे में बताया कि यह समुद्री गाय का है जिसकी लंबाई 30 मीटर तक होती है। इसका वजन भी 10 टन तक होता है। इस जानवर को अच्छे से तैरना आता है। यह घास भी चरता है और शायद इसी वजह से इसका शिकार हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि समुद्री गाय को बीच पर उगी घास को चरना काफी पसंद होता है। यह जीव सिरेनिया नाम के स्तनपायी समूह का सदस्य है।